Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 7th chapter, page number 101, question number 13. Find the sum of all the numbers in the square of 3:3 in the calendar as per example. Find the sum of all the numbers in the square of 3:3 in the calendar as per example. एग्जाम्पल के आधार पर 3:3 स्क्वायर कैलेंडर में जितने सारे नंबर है सभी नंबर का सम फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या दिया गया वो रीड करते। फॉर स्क्वायर ए स्क्वायर के लिए, तो पहले देखिए ए स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर में कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17। फॉर स्क्वायर ए द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कॉल्ड टू ए। तो फिर स्क्वायर ए में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1 है। आर 8 इन दैट नंबर, तो फिर ये स्मॉलेस्ट नंबर में आपको 8 ऐड कीजिए। सो 1 + 8 दैट इज कॉल्ड टू 9। देन मल्टीप्लाइंग इट विथ 9, बाद वो नंबर से 9 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 × 9 दैट इज कॉल टू 81। और मल्टीप्लाइंग द मिडिल नंबर विथ 9, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर लिया, बाद में 8 ऐड किया, फिर वो जो नंबर मिला वो नंबर से 9 को मल्टीप्लाई किया, तो कितना मिला, 81। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप क्या कर सकते, वो स्क्वायर का जो मिडिल नंबर है वो मिडिल नंबर में आप 9 मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 मल्टीप्लाई करने जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन स्क्वायर ए इज 81। तो जो प्रोडक्ट कितना मिला यहाँ पे, 81। बाद में देखिए स्क्वायर ए में जितने सारे नंबर है वो सभी नंबर को ऐड करने से तो वो सम कितना मिलेगा, 81 होगा। सो सेकेंड नंबर फॉर स्क्वायर सी, तो सबसे पहले स्क्वायर सी को यहीं पे ड्रा करते हैं। यहाँ पे तो स्क्वायर शिप कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर सी 15, 16, 17, 15, 16, then 17, then 21, 29, 30, 31, 29, 30, 31, then Sunday, Monday, Tuesday। तो यहाँ पे क्या है, Sunday, Monday, Monday, Tuesday। तो अभी ये स्क्वायर सी में मिडिल नंबर कौन सा है आप देख सकें यहाँ पे, तो मिडिल नंबर क्या है, ये है। सो 23 द मिडिल नंबर ऑफ स्क्वायर सी। तो पहले लिखिए फॉर स्क्वायर सी,
ये जो ये स्क्वायर सी में मिडिल नंबर कौन सा है, 23। सो 23 द मिडिल नंबर ऑफ द स्क्वायर सी। ये मिडिल नंबर से आपको कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कीजिए फॉर स्क्वायर सी मल्टीप्लाइंग द मिडिल नंबर। मल्टीप्लाइंग द मिडिल नंबर विथ 9। सो दिस इज कॉल्ड, तो मिडिल नंबर कौन सा है, 23। 23 × 9, सो दिस इज कॉल्ड 23 को 9 के साथ मल्टीप्लाई की। 23 × 9, 9 × 3 = 27, राइट डाउन 7, कैरी 2। 9 × 2 = 18 + 2, दैट इज 20, 207। तो ये मिडिल नंबर, तो और मिडिल नंबर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट कितना मिला, 207। दस द सम ऑफ ऑल द नंबर्स the sum of all the numbers in square C is 207। स्क्वायर सी का जो मिडिल नंबर कौन सा है, 23। ये मिडिल नंबर को मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कितना मिला, 207। तो अभी आप देखेंगे, 10 द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन स्क्वायर सी इज 207। तो अभी ये स्क्वायर सी में जितने सारा नंबर, कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो सम कितना मिलेगा, 207 मिलेगा। तो फिर तो अभी चेक करते 207 में होता है कि नहीं। 15, 16, 17, then 22, 23, and 24, 29, 30, 31, इन 9 नंबर को टोटल ऐड करने, तो 3-3 नंबर को ऐड करने से आपको इजी रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, 7 + 6 7 + 6 13 13 + 5 18, राइट डाउन 8, कैरी 1, 1 + 1 + 1 3 + 1, दैट्स कॉल 4 48। देन 2 + 3 5 5 + 4 9, 2 + 2 + 2, दैट्स कॉल 6 69, 9 + 0 9 9 + 1 10, राइट डाउन 0, कैरी 1, 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9। तो अब ये तीनों नंबर को ऐड करेंगे, 48 69 90 69 then 90, 9 + 8 17 + 0 17, राइट डाउन 7, कैरी 1, 9 + 6 15 15 + 4 19 19 + 1 20, 207। तो अभी आपको क्या मालूम होगा, ये जो स्क्वायर दिया गया, ये स्क्वायर का मिडिल नंबर को
9 से मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट जितना मिलता है ये स्क्वायर का सभी नंबर का सम उतना होता है। तभी स्क्वायर डी क्वेश्चन नंबर 3। फॉर स्क्वायर डी तो सबसे पहले स्क्वायर डी को यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर डी में कौन सा नंबर है? 12, 13, 14। 12, 13, 14। देन 19, 20, 21। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ये स्क्वायर डी में मिडिल नंबर कौन सा है? यहाँ पे देखिए स्क्वायर डी में मिडिल नंबर कौन सा है? सो दिस इज द मिडिल नंबर, 20 इज द मिडिल नंबर। ये मिडिल नंबर से कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करना है? 9 मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट पहले फाइंड कर दें। तो ये लिखिए फॉर स्क्वायर डी मल्टीप्लाइंग द मिडिल नंबर मल्टीप्लाइंग द मिडिल नंबर विथ 9। सो दिस स्क्वायर डी का जो मिडिल नंबर है दैट इज 29। तो मिडिल नंबर के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20 × 9। 20 जो स्क्वायर डी का मिडिल नंबर है तो 20 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें। ट्वेंटी इंटू नाइन 9 0 जार 0, 9 2 जार 18, 108। तो प्रोडक्ट कितना मिला? 108। दस तो स्क्वायर में जितने सारे नंबर है सभी नंबर को आठ करने से कितना होगा? 180 है। तो वे लिखे 10 द सम ऑफ ऑल द नंबर्स square
डी इज 108। तो अभी स्क्वायर डी में जितने सारे नंबर है वो नंबर को ऐड करते, वो 180 होता है या नहीं चेक करते। तो स्क्वायर डी में कितने नंबर है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। ये 9 नंबर को ऐड करें, 12 13 14, 12 13 14, देन 19 20 21, 19 20 21, 26 26 27 28। तो आप ये सभी नंबर को एक साथ लेके भी आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा इजी के लिए मैंने क्या किया, ये 3 3 नंबर लेके ऐड करता हूँ, 4 plus 3 4 plus 3 7 7 plus 2 7 plus 2 9, 1 plus 1 plus 1, दैट इज कॉल्ड 3 39। देन 19 20 21, 1 plus 0 1 1 plus 9 10, राइट डाउन 0 कैरी 1, 2 plus 2 4 4 plus 1 5 5 plus 1 6, 60। देन 26 27 28, 8 plus 7 8 plus 7 15, 15 plus 6 15 plus 6, that is called to 21, write down 1 carry 2, 2 plus 2 4 4 plus 2 6 6 plus 2 8 81, 12 13 14 को ऐड करने से कितना मिला, 39, 19 20 21 ये तीनों नंबर को ऐड करने से कितना मिला, 60, 26 27 28 ये तीनों नंबर को ऐड करने से कितना मिला, 81। तो अभी 39 60 81 ये तीनों नंबर को ऐड करना है। तो 39 के चल नीचे लिखिए 60 देन 81। One plus 0 1 1 plus 9 10, write down 0 carry 1, 8 plus 6 8 plus 6 8 plus 6, that is equal to 14, 14 plus 3 14 plus 3, that is equal to 17, 17 plus 1, 18. तो ये स्क्वायर डी में कितना नंबर है, 9 नंबर है। ये 9 नंबर को, 9 नंबर का स आर करने से सम कितना मिला, 180। तो फिर ये जो स्क्वायर का मिडिल नंबर कौन सा है, 20। ये मिडिल नंबर से 9 को मल्टीप्लाई का कितना मिला, 180। सो दैट मीन्स तो हमारा क्या आंसर क्या है, सही है।